ये कहानी है दो चड्डी पड्डी दोस्तों की। दोस्त ना कहकर भाई बुलाए तो और ज्यादा बेटर होगा। कहानी बहुत ही सिंपल है। इनका वेशभूषा देखकर आप नाम तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये रहा एडम और ये रहा रेड। हर दोस्तों में कोई दोस्त जरूर होता है जो बस ट्रेन और छोकरी के पीछे जरूर भागता है। हाँ, इसमें था एडम। ये एडम बस ट्रेन के पीछे तो नहीं भागता था, लेकिन छोकरी के पीछे जरूर भाग जाता था। इसमें से आगे वाली छोकरी का नाम है फुलझड़ी और पीछे वाली छोकरी का नाम है नाजुक कली। हाय रेड, फुलझड़ी जा रही है इंस्टाग्राम वाली। अरे सच में क्या भाई? अरे हाँ हाँ, गाड़ी पे आके बैठ, जल्दी बैठ। हाँ भैया, पीछा करना जरा, तो आज फॉलो बैक करवा के ही मानेंगे। तू क्या बोल रहा है रेड? हम लोग पीछा फॉलो बैक के लिए कर रहे हैं? नहीं रे, तू देख तो, इंप्रेशन जमाते भाई, इंप्रेशन। हाँ भैया, तू क्या बोलता है, गाड़ी का आगे वाला टायर ऐसे उठाया है, फंसेगी कि नहीं मेरे से? क्या बोल रहे हैं भैया, आपसे मछली ना फंसे, बंडी का फंसेगी। जरा शांत रहे, मेरे को बात करने देना। हाय परियो, माइसेल्फ एडम। माइसेल्फ फुलझड़ी, क्या काम है? जब बेटी फुलझड़ी है तो मम्मी तो पटाखा रही होंगी ना। रेड थोड़ा शांत रहना यार। हाँ तो फुलझड़ी हूँ, बात ऐसी है कि मैं सुबह निकल रहा था तो मम्मी ने मेरे से कहा कि किसी अच्छे इंसान के साथ चाय पियो, दिन अच्छा जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा, मैं समझ गई, आओ इधर पी लेते हैं चाय। ओ थैंक यू लेडीज। एडम भाई, लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। ओ चाय वाले, तड़का मार के चार जगह चाय देना। तो भैया सही बताए तो जिस तरीके से आप बोल रहे हो, थप्पड़ मार के देगा। शहर में कौन था तड़का मारते भैया? रेड दो मिनट शांत रहे यार तू। वैसे फुलझड़ी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हाँ तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि तुम्हारा नंबर नाम क्या है? बढ़िया, क्या जानना है, नंबर या नाम? वैसे सही बताऊँ ना तो जानना तो दोनों था, लेकिन फिलहाल के लिए नाम बता दो। नाम पता तो है तुम्हें, फुलझड़ी। वैसे लेडीज लोग, मैं चाय का पैसा तो दे देता, पर यार पर्स लाना मैं भूल गया यार। लेकिन एडम भाई, तुम अपना पैसा तो पोल्थीन में रखते हो ना यार। रेड तेरे से अच्छा तो मैं कुत्ता पाल लेता यार। शांत रहे। खैर साथ में चाय पी लिया, आज का दिन तो अच्छा जाएगा, लेकिन कल की क्या गारंटी है? कल कौन आ रहा है साथ में चाय पीने? अच्छा बाबा, अब कल का भी जुगाड़। वैसे फुलझड़ी, तुम पे खुले बाल ज्यादा बेटर लगते। नहीं वो मैं नहीं रखती, मेरे पे सूट नहीं करता ना। अरे तुम रखो तो सही, तुम पे सूट क्या सलवार भी करेगा। फ्लो फ्लो में ज्यादा बोल गया। अच्छा टाइम बहुत हो गया है, तुम पे भी काम होगा, निकलते हैं, है ना? कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। हाँ, बाय बाय। रेड उसके सामने तू बड़ा चपड़ चपड़ कर रहा था। हम तो केवल सच बोल रहे थे ना एडम भैया। वैसे तुम्हें क्या लगता है रेड, मेरे इम्प्रेशन के अंदर कोई कमी तो नहीं रह गया ना? थोड़ा सा था भैया, हमारे बारे में भी बात कर ली होते। अरे गड़िया कहे रोक लिया भैया, हम मजाक कर रहे थे। वैसे भैया जो आप काम करते ना एकदम लल्लन टाप होता है, उसमें कोई कमी नहीं होता है। रेड मेरे को भी वही दिख रहा है क्या जो तेरे को दिख रहा है? अरे इतनी सारी फुलझड़ियां कहाँ से आ गई? देखिए भैया, पहली बात तो गाड़ी के सामने दो पंचर बनाने वाले हैं, दाएं साइड हमने बता दिया, बाएं साइड इधर चार लोग गुलगप्पा खाने वाले हैं, बाकी हम दोनों हैं। इधर फुलझड़ी कहाँ पर है? भैया ऐसा हमने मूवीज में देखा है, हीरो को अक्सर प्यार हो जाता है तो ऐसा ही होता है, उसके बाद वो लोग गाना गाते हैं। आप भी गाइए ना। हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। अक्सर हर कहानी में विलेन जरूर होता है, और कहानी बिना विलेन का ऐसा ही है जैसे शाहरुख खान बिना रोमांस का, खेत बिना फसल का। इस कहानी के खलनायक है मिस्टर गोगो। ये है मिस्टर गोगो। मिस्टर गोगो एडम को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। हाँ इसीलिए तो मिस्टर गोगो अब इंडिया आ चुके हैं, ताकि एडम को पकड़कर अपना बदला पूरा कर सके। रेड रात इतनी लंबी काय होती है यार। हाँ भैया सब समझ रहे, मिले बिना रहा नहीं जा रहा ना आपसे। चलिए कॉफी पे इंतजारी कर रही होगी। और हाँ रेड, आज थोड़ा शांत रहना, आज देखना पूरा एकदम छा जाएगा पुन। भैया बस आप ही छाए हो हर जगह। तो आ गए तुम दोनों, 15 मिनट लिए थे पूरे। अरे कोई ना भाभी जी, हम तो टाइम से उठ गए थे। यही एडम भैया डब्बा लेके खेत में चले गए थे, और जब पहुंचे तो पता चला डब्बा में पानी ही नहीं है, वही ठंड समय लग गया। मजाक मजाक बहुत करता है रेड। वैसे फुलझड़ी खुले बालों में और भी कमाल लग रही हो तुम। हमसे किसी ने कहा था कि खुले बाल हम पे और सूट करेंगे, तो वही फिर। अच्छा भाभी जी एक बात बोलो, एडम भैया बोलना चाहते थे। बोलो। एडम भैया बोले बोले। हाँ बोल दो रेड। कुत्ता मर गया रजाई में, एडम भैया पागल हो गए आपकी जुड़ाई में, कि हाथी नाली में बह नहीं सकता, एडम तेरे बिन रह नहीं सकता। पसंद करते हो क्या मुझे? ठीक है, तो इसका जवाब मैं कल दूंगी। ठीक है, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। एडम इतना कहते ही वहाँ से चल देता है,
क्योंकि एडम को लेने के लिए उसके भाई आए थे। हाँ वही भाई जिसकी वजह से एडम ने गुंडागर्दी में कदम रखा था, और इनका नाम था जग्गा। जग्गा एडम को बताता है कि मिस्टर गोगो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जग्गा कहता है या तो तुम मिस्टर गोगो को मार दो, वरना मिस्टर गोगो तो तुमको मारेगा ही मारेगा। जग्गा को इस समय मिस्टर गोगो का लोकेशन पता था, इसलिए वो एडम को बताता है कि मिस्टर गोगो अभी कहां पर है और कितने गुंडों के साथ छिपा हुआ है। अब एडम के सिर पर भी खून सवार था कि अब तो मिस्टर गोगो को मारेंगे, लेकिन जग्गा बताता है कि आखिर मिस्टर गोगो है कहां। मिस्टर गोगो 5 पहाड़ियों के बीच में समुद्र के किनारे गुंडों की फुल सिक्योरिटी के साथ अपने फैक्ट्री पर। पहले एडम सोचता है कि समुद्र के पास होने के कारण हम समुद्र से अटैक कर सकते हैं। जग्गा उन्हें बताता है कि समुद्र के किनारे पर भी गुंडे तैनात रहते हैं और हर 10 मिनट पर कोई न कोई अपनी बोट लेकर समुद्र की तरफ निकल जाता है ताकि उन्हें पता चले कि कोई हलचल तो नहीं है। एडम इस रणनीति को जानने के बाद एडम कहता है कि हम सामने वाले मेन गेट से अटैक करेंगे। जग्गा फिर एडम को समझाता है कि सामने वाले गेट पर कम से कम 100 से 150 लोग तैनात रहते हैं, जहां से फैक्ट्री में एंट्री करना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन एडम ने भी ठान लिया था अब एंट्री करेंगे तो मेन गेट से। प्लानिंग के साथ एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ था, वो भी टैंक लेके, क्योंकि वो टैंक के अंदर बैठकर अटैक करने वाला था, क्योंकि उसे पता था मेन गेट से ऐसे जाना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना कोई रणनीति लगाई जाए। मिस्टर गोगो के चमचे उसे बताते हैं कि फैक्ट्री पर हमला हो चुका है। मिस्टर गोगो यह सुनते ही समझ जाता है कि यह कारनामा केवल एडम का हो सकता है। मिस्टर गोगो सभी क्लाइंट को भेज देता है कि जाकर एडम की धुलाई करे। और गोगो हाल चाल बढ़िया सब? हाल चाल पूछने तो नहीं आए होगे यहाँ पे? हाँ, हाथ में गन हो तो कोई कैसे सोच सकता है कि सामने वाला बंदा हाल चाल पूछेगा। आओ बैठ के बात करते हैं। एडम सॉरी, पर दुश्मन के साथ बैठना मेरी आदत नहीं है। वैसे गन लेकर और मेरा इतना नुकसान क्यों? मैंने किया गया है तुम्हारा। तो क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले थे? मुझे एक गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। देख भाई, फालतू का झगड़ा मैं लेता नहीं। पहले तो आ गले मिल। ऐसे नहीं गले मिलते, ऐसे मिलते हैं। देख भाई एडम, सॉरी, पर तू इसी के लायक है। तू यही तड़प तड़प के मरेगा। मरेगा तो तू गोगो। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ गोगो, जा रहा हूँ, वरना बातें तो तुझसे अभी बहुत करनी थी। विलन के सामने कड़क बनना बड़ी मुश्किल है। साला पोटी लगा हुआ ने 3-4 गोली और दागता साले को। इधर कहीं बाथरूम भी नहीं दिख रहा यार।